ओके जी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की बात कर रहे थे, तो टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज परनीशियस एनीमिया। तो ये है क्या? एक्चुअली इट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू फोलिक एसिड, सेकेंडरी टू विटामिन बी12 डेफिशिएंसी, and the cause is autoimmune destruction of the parietal cells, or parietal cell loss की वजह से problem क्या होता है, because parietal cells में से intrinsic factor secrete होता है. Actually this intrinsic factor is responsible, यही intrinsic factor है जो orally जो आपके पास gut में पहुंचता है vitamin B12, उसको लेके takes the terminal ileum and gets absorbed over there. So, agar any disease that can cause deficiency of this factor that will lead to the indirectly to deficiency of the vitamin B12, then the megaloblastic anemia. और कौन-कौन सी diseases हो सकती हैं that can lead to intrinsic factor deficiency में से? One disease in which there is autoimmune destruction of the parietal cells. This को हम pernicious anemia कहते हैं. Other हमारे पास क्या cause हो सकती है? अगर हम partial तो फिर gastrectomy कर देते हैं. Then हमारे पास long term PPI use. इसकी वजह से there's decreased production of the hydrochloric acid from the parietal cells, जो आपका sodium potassium ATPase channel that gets blocked forever, नया बनता है. तो करते करते वहाँ पर हमारे पास लॉन्ग रन हाइपोक्लोराइड्रिया तो हो जाता है, लेकिन इंट्रिंसिक फैक्टर भी डिक्रीज जाती है उसकी प्रोडक्शन दैट बट बी ट्रेन डायरेक्टली टू द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. अब ट्रीटमेंट इज सेम एज विटामिन B12. द थिंग इज अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है विटामिन B12 का, हाउ वुड वी डिफरेंशिएट कि दिस इज अ पेशेंट ऑफ परनीशियस एनीमिया, एक्चुअली यहाँ इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी है, और द पेशेंट हैज अ प्रॉब्लम इन द टर्मिनल ईडियम, यहाँ पे अब्सॉर्प्शन नहीं हो रही, या तीसरा है कि हमारे पास पेशेंट में ओरली तौर पे डेफिशिएंसी है ऑफ डिक्रीज इनटेक है. इनको इन तीनों चीज़ों को रूल आउट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, वो है अ टेस्ट दैट इज कॉल्ड शिलिंग्स टेस्ट. इसमें हम करते क्या है कि दो फेजेस में टेस्ट को हम कंडक्ट करते हैं. फेज में हम ये करते हैं कि अ पेशेंट इज गिवन वन डोज ऑफ आयरन विटामिन B12, और दूसरा हम क्या करते हैं कि ओरल विटामिन B12 पेशेंट को देते हैं. लेकिन ये ओरल विटामिन B12 इस आयरन से डिफरेंट क्यों होता है? बिकॉज इट हैज रेडियोएक्टिव मटीरियल, इट वुड गो वी कैन ट्रेस इट. तो एक नॉर्मल आदमी के अंदर जहाँ पे अब्सॉर्प्शन बिल्कुल ठीक है, जहाँ आपके पास इंट्रिंसिक फैक्टर आपके पास मौजूद है, दैट गो इनटू द गट, एब्जॉर्ब जो एक्सेस हमारे पास होगा वो सारा का सारा हमारे पास सिक्रीट हो जाएगा इन द यूरिन. ऐसे पेशेंट का हम यूरिन सैंपल लेते हैं, और यूरिन में आपके पास रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 मौजूद होता है, दैट इज अ नॉर्मल टेस्ट. जो हमने ओरली दिया दैट इज अब्सॉर्ब इन द गट, आपके पास सारा का सारा आपके सिस्टम ब्लड सर्कुलेशन में गया, सर्कुलेशन से आपके रीनल सिस्टम में गया, पास में जो हमें यूरिन कलेक्ट की तो रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 आ गया, दैट इज अ नॉर्मल. इससे आगे अगर ये नॉर्मल आ जाए इट मीन्स नॉर्मल कंडीशन में, इससे आगे जाना नहीं है. लेकिन इन केस अगर ये अब नॉर्मल आता है, यानी नो विटामिन B12 रेडियो लेबल्ड वॉज कलेक्टेड इन द यूरिन, हम फेज टू में जाते हैं. फेज टू हम ये करते हैं, आयरन हम उसी तरह देते हैं विटामिन B12, लेकिन जब हम ओरल विटामिन B12 देते हैं, इसके साथ हमने पहले रेडियो एक्टिव आइसोटोप लगाया हुआ था, इसका रेडियो एक्टिव मटीरियल के साथ थर्ड थिन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर को.
और फिर हम क्या करते हैं इस पेशेंट का हम यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं। अब अगर इस पेशेंट में इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी थी तो जैसे ही मिला पहले इसमें नहीं आ रहा था, अभी यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, यूरिन में रेडियो लेवल वाइटमिन बी12 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब है कि दिस इज परनीशियस एनीमिया, हमने लेबल कर दिया। इस पेशेंट में इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी और फॉर द होल लाइफ अलोंग व्हाटएवर बी12 वी हैव टू गिव दिस पेशेंट इंट्रिंसिक फैक्टर। लेकिन अगर हमारे पास ये आता है कि अभी इस पेशेंट का हमने यूरिन सैंपल कलेक्ट किया एंड इट इज स्टिल नेगेटिव, फिर हमारे पास इससे हम क्या परसीव करते हैं, इसमें ये परसीव करते हैं इट इज नॉट ड्यू टू दिस, इट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम इन द साइट वेयर व्हाइटमिन बी12 गेट्स अब्सॉर्ब, यानी ये कोई ना कोई टर्नल इलेट की पैथोलॉजी है। अगर फिर भी नहीं होता है तो पहले शुरू में सिंपल में नहीं हो रहा था हमारे पास, जब हमने दिया हम यही समझे कि इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी, हमने इंट्रिंसिक फैक्टर ऐड कर दिया इट गॉट अब्सॉर्ब, तो हमने कहा इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर देने के बावजूद फिर भी अब्सॉर्ब नहीं हो रहा इट मीन्स कि ये डेफिशिएंसी नहीं है, देयर इज प्रॉब्लम इन द साइट वेयर इट गेट्स अब्सॉर्ब एक्चुअली, तो टर्नल इलियम की पैथोलॉजी। तो टर्नल इलियम की पैथोलॉजी में जो बाल अब्सॉर्प्शन की कॉजेज होती हैं उनमें से एक हमारे पास क्रोनोफेजीज आती है, एक से एक चीज़। तो दैट्स ऑल। और ऐसे पेशेंट में जहाँ आपके पास गट की माल अब्सॉर्प्शन आती है इनको आप ट्रीट किस तरह करते हैं, टर्नल इलियम की पैथोलॉजी वालों में वो ट्रीट द कॉज एंड वी गिव पेरेंट्रल विटामिन बी12। In the cases of pernicious anemia, we give intrinsic factor along with vitamin B12. But that's all about how we approach a patient with megaloblastic anemia and what are the other different causes of vitamin B12 deficiency. Thank you.